तो अब हाइपरलिंक्स क्या होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के जरिए। देखिए हाइपरलिंक्स में जैसे एक वर्ड है लिंक, लिंक का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट को किसी डॉक्यूमेंट के साथ, फाइल के साथ लिंक कर देना। और हाइपरलिंक मतलब ये जो कनेक्शन बनता है उसको हम कहते हैं हाइपरलिंक। इंसर्ट पे जाके हमें ये ऑप्शन मिलता है यहाँ पे लिंक की सूरत में, ठीक है, और इसका नाम पूरा है एड अ हाइपरलिंक, शॉर्ट की है कंट्रोल के। किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं? तो हम लिंक कर सकते हैं किसी वेबसाइट को, डॉक्यूमेंट को, इमेज को, वीडियो को। अब डॉक्यूमेंट में स्प्रेडशीट भी हो सकती है, मतलब एक्सेल की फाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ और शेप्स के साथ, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं इसको ज़रा स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट सपोज अब मैं किसी भी एक इमेज से इसको लिंक करना चाहता हूँ। सपोज टू बी पहले मैं इमेज देख लेता हूँ, और उस इमेज में ये एक इमेज इससे लिंक करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, मैन डूइंग नाउन्स, और इसको मैंने सेलेक्ट किया अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए, इंसर्ट लिंक, और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया फोल्डर कहाँ पे वो सेव है, ये अंदर चला गया, इसका फाइल का नाम नोट कर लिया, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये रही फाइल, और इसको मैंने क्लिक करके इसको ओके कर दिया, ये एक लिंक क्रिएट हो गया। यानी कि मेरे इसी डॉक्यूमेंट में एक लिंक क्रिएट हो चुका है, वेन एवर मुझे वो फाइल रिक्वायर्ड है, वो इमेज रिक्वायर्ड है, तो इस पर क्लिक करने पे वो ओपन हो जाएगी। अब कैसे क्लिक करना है? क्लिक करने के लिए आपने कंट्रोल का बटन होल्ड करना है, तो ये जो निशान आ रहा है इस साइन को हम कहते हैं हाइपरलिंक साइन, और ये छोड़ दिया कंट्रोल तो ये टेक्स्ट साइन आ गया। जैसे ही मैंने कंट्रोल का बटन होल्ड किया हाइपरलिंक साइन आ गया, और उस पर क्लिक किया, क्लिक करने पर आप देखेंगे कि ये इमेज यहाँ पे खुल गया, सही है। अब कोई डॉक्यूमेंट इस तरह लिंक करना है, जैसे मिसाल के तौर पे डॉक्यूमेंट को लिंक करना है, सपोज टू बी माय सीवी, ये मैंने इस पे सेट कर दिया, सेलेक्ट कर लिया इसको, और इंसर्ट में जाके लिंक पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट कहाँ सेव है, तो उस जगह पे चला गया, और यहाँ क्लिक करके वर्ड फाइल्स में चला गया, और यहाँ पे मैंने अहमद सीवी के नाम से एक फाइल है, या इसको ओके कर, क्रिएट हो गया। आप कैसे करना है, जब भी इसको क्लिक करेंगे काम नहीं करेगा, कंट्रोल का बटन होल्ड करना है, क्लिक करना है, तो देखिए, यानी कि हम मुख्तलिफ टेक्स्ट लिखकर अपनी आसानी के लिए, मतलब मुझे ये बात याद रखनी है, वो एक वर्ड में भी लिख सकते हैं, एक लेटर भी हो सकता है, और पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, और लाइन भी हो सकती है, उसको पर्टिकुलर फाइल के साथ, इमेज के साथ, वीडियो के साथ, किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ हम उसको लिंक कर देंगे। उस लिंक करने का फायदा क्या होगा? पर ये फायदा होगा कि हमें वहां जाके उस चीज को देखने के बजाय कंट्रोल का बटन दबा के जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो वहां से ओपन हो जाएगा, सही है, समझ में आ गई ये बात। अच्छा नेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है कि इसी काम को थोड़ा और अच्छा, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं, चलो अभी बाद में समझते हैं। अच्छा, इसी काम को थोड़ा और मॉडरेट तरीके से करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो मॉडरेट तरीके से ऐसे हो सकता है कि हमने यहाँ पर क्लिक किया, शेप बनाया, और उस शेप पे क्लिक करके यहाँ से जाके एक स्टाइल लिया, यहाँ पे राइट बटन दबाया, ऐड टेक्स्ट किया, और यहाँ पे क्लिक करके हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल सपोज टू बी एडमिशन फॉर्म, ठीक है, ये हमने लिख दिया एडमिशन फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा अपने काम को ऑर्गेनाइज करने का तरीका ये, कंट्रोल डी किया और यहाँ पे आगे ले लिया सपोज टू बी, इसका नाम रख लिया हमने सर्टिफिकेट, ठीक है, और थोड़ा सा हमने इसको आगे किया, ले लिया हमने सपोज टू बी ब्रोशर, ठीक है।
ये हमने कुछ चीजें बना के अपनी इस फाइल में रख दी। इस तरह जो जो चीजें हम रेगुलर यूज करते हैं, मतलब एक बच्चा आता है उसका एडमिशन फॉर्म चाहिए होता है, मैं क्लिक करूँ एडमिशन फॉर्म आ जाए, ब्रोशर शेयर करना है क्लिक करें ब्रोशर तो ब्रोशर खुल जाए, ठीक है, और क्लिक करूँ सर्टिफिकेट, किसी का इशू करना है क्लिक करूँ सर्टिफिकेट ओपन हो जाए। अपने काम को थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज हमने कर लिया। अच्छा अब क्या करेंगे, इन पे क्लिक किया हमने और फिर गया इंसर्ट। अच्छा इसका एक शॉर्टकट भी है, राइट बटन दबा लें और ये आपको यहाँ भी मिल जाएगा, सेम मैच मैच कर लें इनको, सेम सेम एक ही बात है। लिंक पे क्लिक कर दें और शॉर्ट की भी बताइए, कंट्रोल के, ठीक है। तो अब यहाँ से मैंने जाके कनेक्ट कर लिया इसको एडमिशन फॉर्म के साथ। ठीक है तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके फिर इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है ये सब आपने लिंक कर दिए। अच्छा जरूर नहीं है वर्ड की फाइल के साथ आप लिंक करें, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से इसका मैंने एक डुप्लीकेट किया, ठीक है अब डुप्लीकेट कर दिया तो लिंक भी इसके साथ डुप्लीकेट हो चुका है। इस सूरत में हमें या दो ऑप्शन है, या तो लिंक को रिमूव करें फिर दोबारा से लिंक बनाएं, तो राइट बटन दबा के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव लिंक, अगर लिंक ऑलरेडी है और लिंक चेंज करना है तो यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा एडिट लिंक का। मैं क्या चाहता हूँ, लिंक को चेंज करना चाह रहा हूँ तो एडिट लिंक करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कोई भी एक्सेल की फाइल मैं इसके साथ लिंक कर रहा हूँ अटेंडेंस, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट पे ठीक है। अब ये मेरा वन विंडो ऑपरेशन हो गया, मतलब अब मुझे वो अलग अलग फाइल्स पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से कंट्रोल का बटन होल्ड करूंगा, क्लिक करूंगा जो प्रिंट आउट करना है देना देलाना है, कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, ठीक है कंट्रोल का बटन दबाऊंगा और कंट्रोल का बटन दबाऊंगा, चाहिए हर फाइल को मैं अपने वन फिंगर टिप के ऊपर, वन फिंगर क्लिक के ऊपर इसको ओपन कर सकता हूँ। इस तरह से आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं लिंक का, रादर इसके कि आप अलग अलग फाइल्स को जाके ओपन करके रखें, एक ही फाइल अपनी खोल के रखें, जैसे ही इंक्वायरी आ रही है, अच्छा भाई एडमिशन ओके क्लिक किया, अच्छा भाई क्या कह रहे हैं, क्या चाहिए सर आपको, ब्रोशर ये लीजिए, अच्छा चाहिए अटेंडेंस, अटेंडेंस खोला कर लिया काम और उनको फाइल्स को क्लोज कर दिया। इस तरह आपको फाइल्स को अलग अलग जाके ओपन करने की क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंडिविजुअली यहीं से एक्सेस हो रही होंगे, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया लिंक का काम, और लिंक को एडिट करना भी सीख लिया, अब लिंक रिमूव कैसे करते हैं। लिंक एडिट करना मैंने आपको बताया कि राइट बटन दबा के जिस पे भी लिंक है उस पे क्लिक करके राइट बटन दबाना है और एडिट लिंक करना है, यहाँ से क्लिक करके उसके लिंक्स को चेंज कर देना है जिसके साथ आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं, तो फिर वो लिंक चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर लिंक को रिमूव करना हो तो उस पर राइट बटन दबाना है और यहाँ से कहना है रिमूव हाइपर लिंक, जैसे आप रिमूव करेंगे तो अब इस पर कंट्रोल का बटन दबा के आप क्लिक भी करेंगे तो भी इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिमिलरली इस पर से भी रिमूव करने का तरीका यही है। बात समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से, तो लिंक्स ऐड करना, लिंक्स रिमूव करना, लिंक्स को एडिट करना में आ गया। अब ये तो हमने किए उन डॉक्यूमेंट्स से लिंक किए जो हमारे कंप्यूटर में सेफ थे, मतलब इमेजेस भी मेरे पास सेफ थी, डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास सेफ थे और एक्सेल की शीट भी मेरे पास सेफ थी, लेकिन अब मुझे ऐसे से लिंक करना है इसको जिसमें वो मेरे कंप्यूटर में सेफ नहीं है, वो कोई वेबसाइट का लिंक है, वो कोई वेबसाइट है जिस पर मैं एक्सेस करूँगा,
तो यहाँ पर सपोज टू बी, फिर आपने कैसे करना है, सिमिलरली अगर आप किसी वेबसाइट से लिंक करना चाह रहे हैं, जैसे आप कोई भी एक लिंक हमने इसमें सेव करना है, कैसे करना है, तो ये एक वेबसाइट का लिंक है, मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया, कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे लिखा टैक्स, लिखा सेलेक्ट किया और फिर जाके मैंने लिंक पे क्लिक किया। इस टाइम मुझे यहाँ पे जाना है और यहाँ से ऑप्शन लेना है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, ठीक है, ये यही ऑप्शंस मैं यहाँ पे चूज करूंगा। और अगर यहाँ चाहता प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट तो फिर वो इसी शीट के अंदर कहीं ना कहीं किसी पर लिंक हो जाता, लेकिन यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे उसके लिंक को पेस्ट कर दूंगा। कॉपी किया था कंट्रोल सी से, पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी से और उसको ओके कर दिया, ठीक है, और ये क्रिएट हो गया। और लेट्स सपोज मुझे अपने फेसबुक के किसी पेज का लिंक क्रिएट करना है, तो पहले मैंने अपना फेसबुक का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, मेरा फेसबुक का पेज एक मैंने बनाया था अभी कुछ पढ़ाते हुए, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ वो पेज कैसे खुलता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा facebook.com/mushifstore, एंटर किया तो ये उसका प्रॉपर लिंक है और ये वेब पेज खुल गया, ठीक है। इस तरह आपका प्रोफाइल का लिंक भी यहाँ पे क्रिएटेड होता है, ये मैंने एक स्टोर बनाया था उसका पेज आ रहा है यहाँ पे, तो इस तरह से पीछे खुला हुआ है, तो इसको खोलना है। तो यहाँ पे क्लिक करके मैंने कंट्रोल सी किया, ठीक है, पेज खुल गया, ये कह रहा है कि लॉगिन करो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी, आ रहा है पेज पूरा का पूरा। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लिख दिया सपोज टू बी, यहाँ मैं लिख दिया लोड माई स्टोर या सपोज टू बी माई स्टोर, ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से जाके लिंक पे क्लिक किया और देन उसके एड्रेस को यहाँ पे इजिली पेस्ट कर दिया। अब बार बार गूगल पे जाके लिखने विखने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही इसको कर लेगा। कंट्रोल का बटन दबाया, क्लिक किया और ये देखिए वहाँ पर चला गया, ठीक है, और कंट्रोल का बटन दबाया, इस पर क्लिक किया, सही है, समझ में आ गई बात की। तो इस तरह वेबसाइट्स के लिंक्स भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, वेदर कोई आपने नोट पढ़ रहे थे, कोई शॉर्ट था और आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगी बार बार इधर जाने के लिए काफी टाइम लगता है, उसके लिंक को ऊपर से एड्रेस बार से ले लें और इधर लिंक के ऊपर लगा के उसको पेस्ट कर दें, ठीक है। सेम काम आप इसको शेप्स के साथ भी कर सकते हैं, यही चीज़ अगर आप शेप के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे आप प्रॉपरली एक क्रिएट कर लेते हैं कोई ऐसा शेप जिसके ऊपर आप ये लिंक लगाना चाह रहे थे, तो यहाँ पर आपने जैसे कि इसको थोड़ा सा और खूबसूरत कर लेते हैं, क्लिक किया यहाँ पे शेप फिल में गए, यहाँ से हमने एक पिक्चर लगा ली और पिक्चर पे क्लिक करके हमने यहाँ से ब्राउज पे कर लिया और यहाँ पे क्लिक करके मैं चला गया लेटेस्ट पर, ठीक है, इस तरह से एक इमेज लगा लिया, या फिर जैसे उस जिस जगह का आप लगा रहे हैं उसी का फोटो लगा दिया इसके ऊपर, क्लिक करने पे वो लोड हो रहा है। बाजू पर जैसे कि इसके आइकन पे ये वाला लगा हुआ है ना, इसका जो लोगो है यही लोगो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट नहीं हो सका तो सेव कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पर हमने बजाय इसके के अब ऐसी इमेज लगाते तो हमने उससे ही कनेक्ट करना था, तो प्रॉपरली इसका शेप बिल्ड किया, क्लिक किया इंसर्ट लिंक एंड देन पेस्ट, ओके हो गया। आप कंट्रोल का बटन दबा के जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस हमें, इस तरह से आप अच्छे से टैग्स लगा के इंस्टाग्राम के फेसबुक के जहाँ जहाँ आप एक्सेस करते रहते हैं, बाजू का हम अपनी प्रोफाइल्स को जहन में नहीं रख पाते, बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो हम बार बार पासवर्ड लगा रहे होते हैं, उनके यहाँ से लिंक्स कॉपी करें अपने प्रोफाइल्स के और पेस्ट कर दें उसके लिए, तो क्लिक करने पर डायरेक्टली वो आपको उसके ऊपर एक्सेस दे देगा और फिर आप उसको वहाँ से एक्सेस कर लें। तो ये ऑर्गेनाइज करने का अपने काम को बेहतरीन तरीका है कि जिस तरह से आप अपने काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं
अरेंज कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं आप इसके ऊपर, ठीक है। और लिंक्स ऐड करना, एडिट करना, रिमूव करना, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर आता है बुकमार्क। बुकमार्क देखिए, बुकमार्क हम कहते हैं किसे, वैसे आमतौर पे इंग्लिश में हम बुकमार्क कहते हैं जब हम कोई किताब पढ़ रहे होते हैं, उस किताब को पढ़ते पढ़ते कोई निशानी लगा देते हैं, कोई कपड़े का रिबन रख देते हैं, कोई पेज रख देते हैं, यानी कि वो रिमाइंडर कि नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से शुरू करूंगा या यहाँ तक मैंने कर लिया, उसको इंग्लिश में कह रहे होते हैं बुकमार्क। अब बुकमार्क इसमें क्या काम है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर काफी सारे पेजेस पर आपने काम किया हुआ है और अब उसको वहां पर आप एक बुकमार्क लगाना चाह रहे हैं, यानी कि इस जगह पे, तो यहाँ पे जाके इंसर्ट में चले जाइए, इस बुकमार्क पे क्लिक कर दीजिए, इसका एक नाम रख लीजिए, ठीक है, कोई भी नाम रख लीजिए। सपोज टू बी आपने लिख दिया मंडे सेल्स और यहाँ पे मैंने इसको ऐड करा दिया, ये देखिए ऐड हो गया इसके अंदर। और फिर मैं काम करता गया और फिर मैंने यहाँ पर एक और बुकमार्क लगा दिया इस जगह पर और उसका नाम मैंने रख दिया माय चेकलिस्ट, ठीक है। इस तरह से मैंने डिफरेंट मार्क विदाउट स्पेस लिखना है। अब जब भी मैं डॉक्यूमेंट को खोलूंगा, इसको खोल के मुझे अगर अब जहन में नहीं है कि मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने अपने काम को बुकमार्क पे ऐड किया हुआ है। मैं यहाँ से जाऊँगा बुकमार्क पर, क्लिक करूँगा, जो मेरे बुकमार्क्स हैं वो दोनों नज़र आ जाएंगे। इट विल रिकॉल मी कि मुझे अब करना क्या है, कि मुझे कहाँ जाना है, माई चेकलिस्ट पर जाना है तो गो टू, मुझे माई इंडे सेल्स पर जाना है गो टू, सही है। और ये ऐसा भी हो सकता है कोई बात करते करते और उसके बारे में अब मुझे एक बात ध्यान में आई कि ये एक प्रोडक्ट है या एक स्टूडेंट है, इसके बारे में मुझे ये काम करना था लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम करूँगा, तो मैंने इसके लिए एक बुक पार्क बनाया और उसके लिए एक दिया क्या सब सपोज हुई ओमेगा एरर कर दिया इसको, ठीक है, अपने दिमाग से उसको के। अब सर जब भी कभी मैं आके बैठा अपने डॉक्यूमेंट पे, तो मैंने सबसे पहले ये चेक किया क्या आज कोई इंक्वायरी तो नहीं करनी, मुझे कोई चीज़ करेक्शन तो नहीं करनी, तो बुकमार्क पे क्लिक किया तो ये सामने आ गया ओमेगा एरर और उसको मैंने गो टू कर लिया। अच्छा अच्छा, इसके लिए ये काम करना था जो भी वो चीज़ वो की जा सकती है। डिलीट करना है किसी भी बुकमार्क को तो राइट बटन इसी के अंदर जाकर डिलीट कर दें, यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके अब हम आते हैं बुकमार्क के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस का। तो क्रॉस रेफरेंस भी इसी बुकमार्क का एक ऑप्शन है जिसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको आपको नेक्स्ट में थोड़ा सा क्लियरली कोई अच्छी एग्जांपल के साथ इसको मैं आपको करवाऊँ, ठीक है।